यार तूने मेरे को ब्लॉक क्यों करा है यार, मेरे को इतना दुविधा नहीं, क्यों ब्लॉक करा है? मैंने ब्लॉक क्यों किया है? प्लीज मेरे नाल गल कर ले। वीडियो दे विच प्यार दी पीक मांगदा है ओ किन्नर है जिसनु प्यार च वड्डा धोखा मिलिया, जिसने किसी नाल प्यार किया ते इस दा प्रेमी लखा रुपए ठग के भज गया। किन्नर दे वल्लों इल्जाम लगाए जा रहे ने कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके नाल धोखा किया है, लखा रुपए लए ते फिर दुबई भज गया, पर अज भी उसनु बहुत प्यार करता है। किन्नर ने दस्या है कि उसनु लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर है ते उसकी आखिरी इच्छा यही है कि उसका प्यार उसनु वापस मिल जाए, जिस लिए वो अपने इंस्टाग्राम ते वीडियो बना बना के प्यार दी पीख मांगता है। किन्नर दिया कुछ वीडियोज सोशल मीडिया ते भी काफी वायरल हो रही ने। एक होर वीडियो जो इस किन्नर दी वायरल हो रही है, जिसके फोन के उत्ते गल करता हुआ एक किन्नर रोंदा है, गिड़गिड़ा है, प्यार की भीख मांगता है और गुस्से चाके गिलास तोड़ दिता है। जो तो किन्नर दे नाल गल की गई तो उसने बड़े शायराना अंदाज दे विच सब कुछ बयान कर दिता। एक किन्नर इंस्टाग्राम ते एक इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम डीडी गोयल है, 1 लाख के करीब इसके फॉलोअर्स भी ने। एक अजिहा ट्रांसजेंडर है जिसका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है ते नाल ही एक समाज सेवी भी है। डीडी गोयल ने दस्या है कि उसका करीब 2.5 साल रिलेशन रहा है, पर उसनु ये पता ही नहीं है कि उसका प्यार आखिर उसनु क्यों छट गया है। लखा रुपए उसने अपने प्रेमी लिए खर्च किए सन, फिर उसनु पता लग गया कि उसका प्रेमी बिना दसे दुबई चला गया है ते उसनु हर आईडी तो ब्लॉक कर दिता है। वह मीडिया के जरिए फरियाद कर रहा है कि उसका प्यार उसनु मिल जाए क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वह ब्रेन ट्यूमर की लास्ट स्टेज के नाल जूझ रहा है ते कदों उसकी जिंदगी मुक जाएगी, इस तो पहले एक बार अपने प्यार नु मिलना चाहता है। मेरा बॉयफ्रेंड है जी कायर पुराना, मैं चाहती हूँ वापस आ जाए, बस ये मामला वो ही है। ठीक है, तो कितने समय का रिलेशनशिप था आपके उनके साथ? 2.5 से 3 साल हो गए थे जी। अच्छा, तो क्या बात क्या हुई थी? बात कुछ नहीं हुई, कहते हैं जब हम साथ थे तो बातें थी दो, अलग हुए बातें हुई तीन। एक वो जो उसको पता थी, एक वो जो मुझे पता थी, एक वो जो हम दोनों साथ बैठ जाते तो हम दोनों को ही पता चल जाते, तो बात तो पता ही नहीं क्या हुई। काफ़ी प्यार में धोखा खाया लगता है। कहते हैं जी इंसान प्यार में धोखा खाता है, प्यार छोटी चीज़ नहीं है। प्यार ने तो महादेव को रुला दिया, प्यार ने कृष्ण को रुला दिया, प्यार ने विष्णु को रुला दिया, तो हम तो फिर भी एक मामूली से इंसान हैं। क्या क्या किया था उसके लिए आपने? क्या क्या किया था कुछ नहीं होता, सवाल ये था कि क्या इन्वेस्ट किया, समय, वक्त, ट्रस्ट, अपनापन, अपने लोग, सारे रिश्ते छोड़ दिए, सारा दोस्त छोड़ दिए, सारा कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक कमरे को अपनी दुनिया बना दी। तो इतना सब कुछ कर कर अगर सिर्फ एक इंसान पाने की चाह हो और वो भी ना मिले तो उसके बाद तो फिर मौत प्यारी लगती है। तो आप अभी आप पेशे से करते क्या काम करते हैं? एक्चुअली मेरा KD प्रोडक्शंस करके प्रोडक्शन हाउस है जिसके लिए मैं 2 शोज़ करवा चुकी हूँ, और तीसरा अभी मेरे बर्थडे के बाद मैं एक सॉन्ग लॉन्च करने वाली हूँ, काफ़ी अच्छे लेवल का सॉन्ग होगा वो जी। उसके अलावा मैं समाज सेवी हूँ, उसके अलावा बंगला मुखी माता तख्त की एक गद्दी मेरे पास है, उसके अलावा अभी कुछ इंटरेस्ट है जो सरप्राइज रहेगा अगर ज़िंदगी रही तो, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको दिखूंगी जहाँ इस समाज से तो अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया। ज़िंदगी रही क्या मतलब? कुछ समस्याएं हैं आपको सेहत संबंधी? मुझे ब्रेन ट्यूमर है लास्ट स्टेज, मेरा 3rd का 4th स्टेज चल रहा है, तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं। ये नहीं बोलूँगी हार गई हूँ, पर आज के वक्त में जो चीज़ें देख रही हूँ वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि पता नहीं चलता कि लकीरें भी हाथ की कब छिन जाए, तो ये तो फिर भी जान है। आपके एक्स को पता है ये बात कि आपकी ब्रेन ट्यूमर की लास्ट स्टेज है? उन्हें पता थी ये बात, फिर भी तरस नहीं है उनको? कहते हैं जब दिल से उतर जाए तो फिर इंसान कब्र में उतर जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता कई लोगों को, शायद उसकी मैंटेलिटी वैसी हो रखी है इस टाइम, क्योंकि आखिरी वक्त की बातों में उसने यही कहा था कि तू कब्र में भी उतर जाए तो मेरे आंसू ना निकले और मेरी बददुआ है कि तू बहुत गंदी मौत मरे। इतनी बेरुखी कैसे हो गई? अब वो मुझे पता होती तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती, मैं ये बोल सकती हूँ। मुझे खुद वो बात जाननी है कि इतनी बेरुखी कैसी हो गई। आखिरकार जो इंसान मेरी आंखों के आंसू नहीं देख सकता था, मेरे आंसू देखकर उसके आंसू निकलाते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि वो इंसान मुझे छोड़कर भाग गया?
ऐसा कारण क्या था, मुझे खुद वो चीज़ जाननी है। मैं अंदर से तिल तिल कर कर मर उसी चीज़ की वजह से रही हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ पता ही नहीं है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या गवाया, ऐसा किसने क्या भड़काया। क्योंकि इतना मुझे पता है, मेरे आसपास के लोग कहते हैं 24 घंटे में 24 लोग अगर आपको उंगली लगा रहे हैं तो एक की उंगली तो आपको लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है वो लोगों की बातों ने हमारा रिश्ता खा लिया, क्योंकि लोग साथ में जड़ नहीं सकते थे हम। तो मैं खुद जानना चाहती हूँ कि वो कारण क्या रहा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है अभी। तो अभी आप बीमारी से जूझ रहे हो आप, तो अभी आप क्या मीडिया के माध्यम के जरिए क्या उसको कुछ मैसेज देना चाहते हैं? क्या पता ये वीडियो वो देख रहे हो शायद। मैं हाथ जोड़ के उसके माता पिता से माफ़ी मांगती हूँ, पहली चीज़ कि मैंने उसके माता पिता के साथ गुस्से में जो बोला जो किया। दूसरी चीज़ कि वापस आ जा, बैठ कर बातें क्लियर होती हैं, क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूँ कि भागना तो तू नहीं चाहता था, तो भागने से कुछ नहीं होगा, कब तक भागेगा, आखिरकार आना यहीं पड़ेगा ना। तो प्लीज़ वापस आ जा, शायद मुझे भी तेरी ज़रूरत है, तेरे परिवार को भी तेरी ज़रूरत है, तेरे काम को भी तेरी ज़रूरत है, तेरे प्रोडक्शन हाउस KD प्रोडक्शन कायरव दीपक को भी तेरी ज़रूरत है। आखिरी इच्छा कह सकते हैं ये आपकी? आखिरी इच्छा तो मैं अगर बोलूँ तो आखिरी इच्छा तो मेरी उसको पता थी क्या थी, पर शायद आज वो इच्छा बदल गई हो। आज मेरी आखिरी इच्छा हो तो ये हो कि जो कमाया, जो पाया, जो नाम है, जो वजूद है, वो सब तेरा था, आज तो वो सब छोड़कर चला गया है। पता नहीं कहाँ है, या मुझे वो भी पता है तू कहाँ है। मैं खुद आने की हिम्मत वहाँ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ आकर बात बिगड़ेगी, क्योंकि तू भी गुस्से में है, और शायद मैं वहाँ आकर कुछ ऐसा देख लूँ कि मैं भी गुस्से में आ जाऊँ, तो सब कुछ भूल कर वो वापस आए जो उसके लिए किया था, वो अपनी चीज़ें संभाले। पैसों के लिए भी आपको चुना लगाया, कितने पैसों का लगा दिया होगा आपने? पैसों का चुना नहीं कह सकती मैं उसे, पहली बात। देखो, मैं इतना कह सकती हूँ, अगर पैसे की बात की जाए तो वो पैसा इतना था कि एक आदमी अपना बिजनेस बना सकता है। अगर बिजनेस भी छोड़ा जाए, 5 लोगों के रहने के लिए बढ़िया घर बन सकता है, इतना पैसा था वो। पर पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा देना मेरी मर्ज़ी थी, मेरी चॉइस थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पैसे से शायद खुशियाँ खरीदी जाती है, मैं उसकी खुशियाँ खरीद रही थी। तो बस ये बोलूँगी कि पैसा वैसा तो छोड़ो, वो तो कमा ही लेंगे दोबारा। कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई कार्रवाई नहीं करवाई आपने? कानूनी प्रक्रिया तो किस पर की जाती है? कानूनी प्रक्रिया हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहली बात तो इस कम्युनिटी की सुनवाई नहीं है। इस कम्युनिटी की सुनवाई होती कहाँ से? एक दिन सुनेंगे, दूसरे दिन हंसेंगे, तीसरे दिन उड़ा देंगे, तो वो तो कोई फायदा ही नहीं है, खुद के ऊपर कीचड़ गिरने वाली बात है। ये भी एक कारण हो सकता है कि आप उससे बेइंतहा प्यार करते हो, इसलिए कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। जी बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं। कहते हैं मेरी दोनों जेब में पैसे हैं, मेरी एक जेब कटे या दूसरी जेब कटे, दुख तो मुझे ही होगा, तो मैं तो वो चीज़ तो चाहूँगी नहीं। तो आप अपील करते हो कि एक बार उससे मिलना चाहते हैं? मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वापस आकर जो सब कुछ हमने साथ में कमाया, कल को अगर मैं नहीं रही तो तू मुझे ये बता दे, ये सब हमने किया किसके लिए था? ये सब किया तो हमने हमारे लिए था ना, हमारा सपना था ना, हमारा एक सपना था कि हम जरकपुर में खुद का घर लें। आज वो घर भी ले चुकी हूँ, उस घर में बैल्कनी भी है, और वो घर की बैल्कनी वो चीज़ों के लिए तरसती है जो चीज़ें हमने साथ में सोची थी। KD प्रोडक्शन सॉन्ग्स कर रहा है, तो सॉन्ग्स में KD प्रोडक्शन का ब्रांड एम्बेसडर कायरव खुराना होना चाहिए था ना, आज वो ही नहीं है। अपील करते कि वापस आ जाओ। बिल्कुल अपील करती हूँ, वापस आ जाना यार प्लीज़।